हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु चैनल। आई एम मृगेंद्र प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी स्टॉप्ड स्टीम टरबाइन। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियों में या फिर किस किस आपातकाल के दौरान हमें स्टीम टरबाइन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने कुछ पॉइंट सर्च किए हैं जिसे आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद मेरे साथ हुई हैं तो कुछ औरों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है टीजी सेट हैवी वाइब्रेशन और व्हेन सॉफ्ट वाइब्रेशन एक्सीड 0.05 mm। दोस्तों, जब टीजी सेट का वाइब्रेशन वेरी हाई हो जाए या फिर सॉफ्ट का वाइब्रेशन 0.05 mm से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में यदि हमारा ऑटो ट्रिपिंग काम नहीं कर रहा है, टरबाइन ट्रिप नहीं हो रही है उस कंडीशन में, तो हमें ऑटो ट्रिपिंग मैन्युअली कर देना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है टरबाइन रोटर स्पीड इन इंक्रीज्ड एंड इमरजेंसी गवर्नर डज नॉट एक्ट। फ्रेंड्स, जब टरबाइन की रोटर स्पीड इंक्रीज हो जाए, वो हाई स्पीड की ओर चली जाए, और उस समय हमारा जो इमरजेंसी गवर्नर है, जो ऑटो ट्रिपिंग है, वो अगर काम नहीं कर रही है, तब हमें मैन्युअली टरबाइन को ट्रिप करा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द टरबाइन इनसाइड इंक्रीज मेटल इंपैक्ट साउंड एंड कंटिन्यूज बी एक्सपॉन्ड। फ्रेंड्स, जब टरबाइन के अंदर किसी मेटल कॉन्टैक्ट होने का साउंड इम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को इमरजेंसी ट्रिप करा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एनी बेयरिंग टेम्परेचर एक्सीड 105 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, जब बेयरिंग का टेम्परेचर टरबाइन में किसी भी बेयरिंग का टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को ट्रिप करा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑयल सिस्टम गेट ऑन फायर एंड कैन नॉट स्टैम्प आउट क्विकली। फ्रेंड्स, जब टरबाइन के ऑयल सिस्टम में आग लग गई हो और उसे तुरंत कंट्रोल ना किया जा पा रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को मैन्युअली ट्रिप करा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल टैंक लेवल डिक्रीज टू लोवेस्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, जो MOT का ऑयल टैंक लेवल होता है, यदि ऑयल मिनिमम से और नीचे हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को ट्रिप करा देना चाहिए और चेक करना चाहिए ऑयल कहाँ लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर टरबाइन इज लीकेज इज लूब ऑयल सिस्टम ऑफ द टरबाइन। फ्रेंड्स, जब टरबाइन के लूब ऑयल सिस्टम में लूब ऑयल की जो सर्कुलेटिंग पाइपलाइन होती है, यदि उसमें लीकेज हो गया हो और उस लीकेज को रनिंग कंडीशन में कंट्रोल ना किया जा पा रहा हो, तो हमें इम्पैक्ट टरबाइन को ट्रिप करा देना चाहिए और उस लीकेज को अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर इनसाइड गेट द स्मोक एंड फायर। फ्रेंड्स, जब जनरेटर के अंदर से धुआं निकल रहा हो या फिर आग निकल रही हो, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को इमिडिएटली ट्रिप करा देना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जनरेटर वाइब्रेशन हाईली। फ्रेंड्स, जब जनरेटर का वाइब्रेशन हाई हो जाए या फिर टरबाइन का किसी भी बेयरिंग का वाइब्रेशन हाई हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें टरबाइन को मैन्युअली ट्रिप करा देना चाहिए, यदि हमारा ऑटो ट्रिप नहीं काम कर रहा है तब। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके पास और कोई पॉइंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।